आज हम आपके लिए एक निःशुल्क वीडियो बनाने जा रहे हैं और यह मुख्यतया छात्रों को एक कठिन टॉपिक लगता है एलजेब्रा, उस पर हम बनाने जा रहे हैं। एलजेब्रा के केवल एक सूत्र पर आप देखिए कि कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उन कठिनतम सवालों को आप चुटकियों में हल करते हैं। आइए हम देखते हैं। पहला सूत्र इसमें है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं, दैट्स इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। अगर हम इसी सूत्र को ऐसे रखें x प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। इन दो सूत्रों के आधार पर हम चलेंगे। आइए पहला सवाल, एग्जाम्पल फर्स्ट। सवाल है 6.5 इंटू 6.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5 प्लस 7 इंटू 6.5 दैट्स इक्वल टू व्हाट। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2ab है, क्योंकि 3.5 का दो गुना हमने यहां लिख दिया है 7। सीधे आप यूज करिए 6.5 प्लस 3.5 होल स्क्वायर, जोड़िए आप 10 हुआ और 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। लेकिन इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाता। एग्जाम्पल टू देखें। सवाल है इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 फाइंड। पूछा जा सकता है नंबर एक, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। नंबर दो, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान क्या होगा। नंबर तीन, एक्स की चार घात प्लस एक बटे एक्स की चार घात बराबर क्या होगा। नंबर चार, एक्स की पांच घात प्लस एक बटे एक्स की पांच घात का मान क्या होगा। नंबर पांच, x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 37 बराबर क्या होगा। या नंबर 6, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन x की पावर 100 बराबर क्या होगा। देखिए आप, जब x प्लस 1 बाई x बराबर 2 हो तो यह केवल तभी संभव है जब x बराबर 1 हो। इसका मतलब इट इज पॉसिबल या तभी संभव है जब x बराबर क्या हो जाए 1। तो x बराबर 1 पर जब यह सत्य है तो आप हर जगह x बराबर 1 रखें, 1 की चाहे जितनी घात कर दें आप जानते हैं उसका मान नहीं बदलता है, इसलिए यहां पर हर जगह यह वैल्यू कितनी रह जाएगी 2 ही रह जाएगी, इसका मान नहीं। अगर यह आपको नहीं आता है कि x इज इक्वल टू 1 पर यह एक्सप्रेशन सत्य है तो फिर आगे आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों? x की पावर 36 प्लस 1 बटे x की पावर 37, हम ऐसे प्रश्नों को, ऐसे एक्सप्रेशन को लगाना बहुत कठिन काम है। आगे आइए, दूसरा सवाल है एग्जाम्पल 3। यह है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स प्लस 1 अपॉन x की जगह क्या है माइनस 2, और फिर यही वैल्यू पूछी जाएगी कि बताइए, देन फाइंड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, इनके मान क्या हो। अब ध्यान देखिए, यहां पर अगर यह ऐसा है तो यह x बराबर माइनस 1 पर सत्य है, आप माइनस 1 प्लस माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2। अब देखिए यहां उत्तर में चेंज होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहां भी प्लस 1 कितना आ गया 2।
लेकिन माइनस वन का क्यूब करेंगे, प्लस वन अपॉन माइनस वन का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा माइनस टू। मतलब अगर सम घात है तो उत्तर प्लस आएगा और विषम घात है तो उत्तर माइनस दो आ जाएगा। ये देखिए सम घात है प्लस दो, विषम घात है माइनस दो, लेकिन यहां सम और विषम दोनों है, इसका मतलब यहां उत्तर आएगा वन माइनस वन दैट्स इक्वल टू जीरो। यहां दोनों सम है, उत्तर क्या आ गया दो। ये बेहद आसान ठीक है। अब आइए अगले सवालों पर। अगर यहां पर सवाल चेंज होता है, जैसे कह दिया जाए कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री, और कह दिया जाए फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो पहले मैं आपको विस्तृत बताता हूं, फिर बताता हूं कितने आसान से रहेगा। अगर ऐसा है तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करें, यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहां आएगा तीन का स्क्वायर कितना हो गया नौ, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर नौ में से दो घटाइए कितना आ गया सात, ये वैल्यू है आपकी सेवन। अब देखिए आप यहां पर सीधे अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ मत करिए, इसका स्क्वायर करके थ्री का स्क्वायर और माइनस टू कर दीजिए, ये दूसरी तरफ गया तो क्या होगा माइनस, और हमारा उत्तर डायरेक्ट कितना आ गया सेवन। अब आप लगाइए जरा, हम कहते एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, सीधे करिए चार का स्क्वायर माइनस दो, सोलह में से दो कट गया कितना उत्तर आ गया चौदह। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव, पूछा जाए फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, आप क्या कहेंगे पांच का स्क्वायर माइनस दो, पच्चीस में से दो घट गया, उत्तर क्या आ गया तेईस। इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आइए अगले तरीके के सवाल पर। सवाल ऐसे आता है, कह दिया जाए x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री, ये दिया गया है, कहा जाए फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। अब देखिए आपको यह एक कठिन सवाल लगेगा, जबकि कुछ नहीं है, आप यहां पर x कॉमन लीजिए अंश में भी और हर में, यहां x कॉमन लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और यहां x कॉमन लेंगे तो आएगा भाग दीजिए x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, ये x कैंसिल हुआ। यहां से जब x प्लस वन अपॉन एक्स का मान थ्री है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया था सेवन, यहां x प्लस वन अपॉन एक्स लेकर तीन रखेंगे थ्री माइनस वन, उत्तर क्या आ गया सेवन अपॉन। बेहद आसान तरीके से, फिर से समझिए अगला सवाल। हमें सवाल दिया गया x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव, दिया गया है एक, कहा जाएगा फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर क्या होगा। आप देखिए यहां एक्स जब घात बराबर ना हो, एक जगह तीन घात है एक जगह एक घात है, तुरंत आप कॉमन लीजिए एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां भाग लेंगे वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, यहां x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x, x से भाग दीजिए माइनस दो, यहां x से भाग दीजिए वन बाई एक्स, ये कैंसिल हुआ। अब यहां से निकालिए x प्लस वन अपॉन x का मान पांच था तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हुआ फाइव स्क्वायर माइनस टू अपॉन, यहां वैल्यू रखिए x प्लस वन अपॉन x की जगह पांच माइनस दो,
उत्तर आ गया 25 में से 2 घट गया 23, 5 में से 2 घट गया 3, उत्तर आ गया 23/3। देखा आपने कितनी आसानी है। अब इससे जटिल प्रश्न पर आएंगे। सवाल है, यदि 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 6, फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए आप, इस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, सामान्य सा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इनका वर्ग करेंगे तो हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 3x होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36। इसका वर्ग करेंगे 4x स्क्वायर, इसका हुआ 1/9x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2x इंटू 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 36। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर बराबर 36 माइनस 4/3। आप इसे लगा लें, 36 दिया 108 में से 4 घटाइए, 104/3, ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन इसी सवाल को जटिल कैसे बनाया जाता है ये देखिए। सवाल है, यदि 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 6, फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। अब आप देखें, यहां 2 है लेकिन यहां 9 आया, 2 का वर्ग यहां आया, 3 का वर्ग यहां आया, इसका मतलब यहां 3 होना चाहिए। 3 कब होगा, जब हम यहां 3 से गुणा करें, 2 हटाना होगा, 2 से भाग दें, पूरे समीकरण में आप 3/2 से गुणा करें तो आ गया 3/2 × 2x प्लस 3/2 × 1/3x बराबर 6/3/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 × 3 = 6, ये आ गया आपका 3x प्लस 1/2x बराबर 9। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2/3x गुणे 1/2x बराबर 9 का स्क्वायर कितना हो गया। एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर बराबर इस 81 में से 3 घटा दीजिए, 81 - 3 कितना आ गया, 78। That's your answer. ठीक है, ये उससे थोड़ा सा जटिल रहा। अगला जटिल सवाल इससे भी होता है ज्यादा, वो कैसे होगा ध्यान दीजिए। आपका सवाल यही रहेगा कि 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 6। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 36x स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसका मतलब देखिए, यहां 2 था, यहां कुछ है ही नहीं, 1 है, यहां 1 कैसे आएगा जब हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दे दीजिए इसमें तो हो जाएगा x प्लस, यहां भाग देंगे 1/3 × 6x और यहां 6 में 2 की भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। पूरे समीकरण में हमने 2 से भाग दे दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 1/6x बराबर 3 का स्क्वायर 9। एक्स से यस कट गया, 2 × 3 = 6, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 36x स्क्वायर बराबर 9 - 1/3, 3 × 27 में से 1 घटा दीजिए, 26/3,
ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यह हम अभी केवल एक सूत्र से बता रहे हैं कि सवाल कैसे और कैसे जटिल होते जाते हैं। अब इससे भी कठिन पर आइए। सवाल आता है आपका, दे दिया जाए कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये दे दिया जाए, पूछा जाए बताइए फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए इसे ज्ञात करने के लिए कुछ मत करिए, इसमें आप x से भाग देंगे, जब x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस वन प्लस वन बाई एक्स बराबर जीरो, इससे आप लीजिए तो आएगा x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस दो, एक का स्क्वायर एक में से दो घट गया माइनस एक, आपका उत्तर कितना आ गया माइनस वन। तो इस प्रकार से हम पहला स्टेप अभी हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद।